हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो रेडमी की नोट सीरीज़ होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। और यहाँ पर दोस्तों रेडमी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो। और यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेडमी नोट 8 प्रो के कुछ प्राइस स्पेसिफिकेशन एंड लॉन्च डेट इंडिया के बारे में, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन होने वाला है। और यहाँ पर जो हमारा रेडमी का नोट 7 प्रो स्मार्टफोन है अभी तक अपनी प्राइसिंग में सबसे दी बेस्ट स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेडमी का नोट 8 प्रो स्मार्टफोन होने वाला है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730 वाला प्रोसेसर, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 53 रियर कैमरे का सेटअप। तो गाइस यहाँ पर आज के विषय बताने वाले हैं आपको रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन के प्राइस स्पेसिफिकेशन एंड लॉन्च डेट इंडिया के बारे में। तो गाइस बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेडमी नोट 8 प्रो के बैक डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ग्लॉसी डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको इस बार ग्लास बिल्ड आपको देखने मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेटल फ्रेम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे साइड में, जिससे यहाँ पर इसका जो बैक डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा आपको सॉलिड आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बैक में गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर हद से ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है 6.4 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर आपको इस बार पंच होल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाने वाली स्क्रीन में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्क्रीन है और यहाँ पर डिज़ाइन काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से न्यूली लॉन्च प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल के प्रोसेसर। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर आप इसमें आराम से पबजी वगैरह खेल पाएंगे और यहाँ पर आप जितने भी हाई एंड गेम हैं यहाँ पर आप आराम से रन हो जाने वाले हैं। तो फोन दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में, तो इस बार यहाँ पर आपको 53 रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर अभी सेंसर है कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट सेंसर है वो कन्फर्म हो गया, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 48 मेगापिक्सल का सेंसर, जो कि यहाँ पर सोनी का IMX586 वाला सेंसर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी सेंसर और यहाँ पर जो तीसरा सेंसर है यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर तो बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। और यहाँ पर आपको पंच होल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है और रियर कैमरा है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। और यहाँ पर आपको 4K और EIS का सपोर्ट भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो इस बार यहाँ पर आपको 4200 मिली एम्पेयर की बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। और यहाँ पर आपको आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करेगा, टाइप सी का पोर्ट भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो फास्ट चार्जर आपको इस बार आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉइड के बारे में, तो फोन यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई के साथ में, साथ ही साथ यहाँ पर आपको MIUI 11 इस फोन में रन करता हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। और यहाँ पर आपको जो MIUI 11 होगा इससे दोस्तों इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा। और यहाँ पर आपको फ़ोन में किसी भी तरह का ना ही कोई लैग आपको देखने मिलेगा और यहाँ पर परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने ही वाली है। अब यहाँ पर तो बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा इस फोन में इस बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की, जो कि यहाँ पर इतनी कंपेरिजिंग मिलना काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा और यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट आपको देखने मिलेगा। तो ये फोन दोस्तों यहाँ पर पूरा ऑल ओवर पैकेज होने वाला है। और अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, यहाँ पर दोस्तों आपने जितने अभी भी रेडमी के सीरीज के फ़ोन देखे हैं, जो कि यहाँ पर रेडमी नोट 7 हो गया और भी यहाँ पर दोस्तों नोट सीरीज के फ़ोन होगा, तो ये सारे दोस्तों यहाँ पर आपको अंडर 15,000 आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो फोन भी दोस्तों यहाँ पर आपको 15,000 रुपीज़ के अंदर ही आपको देखने मिलेगा, जिसके यहाँ पर दोस्तों प्राइसिंग है 14,000 से 15,000 रुपीज़ हो सकती है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल कमाल की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, काफ़ी ज़्यादा कमाल की बड़ी बैटरी, 53 रियर कैमरा सेटअप और यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले। तो फोन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है और यहाँ पर आपको इस फोन में आपको कोई भी कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो फोन दोस्तों यहाँ पर आपको अभी फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये फ़ोन आपको यहाँ पर नवंबर से दिसंबर के एंड महीने में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रेडमी का नोट 7 स्मार्टफोन है यहाँ पर अभी लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेडमी का नोट 8 प्रो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको नवंबर या फिर दिसंबर के एंड तक आपको देखने के लिए मिलने वाला। तो मुझे उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने चाहे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।